हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। फाइनल आंसर कीज रिलीज कर दिए गए हैं, अब आप फाइनल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनल आंसर कीज आप कहाँ से चेक कर सकेंगे, कौन कौन से पोस्ट के फाइनल आंसर कीज रिलीज कर दिए गए हैं और फाइनल स्कोर आप एग्जैक्टली कैसे चेक कर सकते हैं। नोटिस भी देखेंगे, 28 अप्रैल की डेट से काफी देर पहले ही आ चुकी है, लेकिन इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट लिखी है फाइनल आंसर कीज, उस पर अभी सबका ध्यान गया है कि अच्छा फाइनल आंसर कीज भी आ गए। तो चलिए देख लेते हैं। ये नोटिस तो आप सबने, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी उसको ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2023 की डेट से केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से ये जो नोटिस जारी की गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो इसमें जो कंटेंट है वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में एक अलग वीडियो में, क्योंकि इसका जो कंटेंट है इस नोटिस में जो लिखा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें बातें लिखी हुई हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और कवर करेंगे। जो इस वीडियो का बेसिक फोकस है वो है फाइनल आंसर कीज कैसे देखें और स्कोर कैसे चेक करें। तो इसी नोटिस में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है द लिंक टू डाउनलोड अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर विद फाइनल आंसर कीज विल बी द सेम यूज ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको याद होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर रहे थे तो एक लिंक होगी आपके पास, अगर नहीं है तो वो लिंक मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर मिलेगा। वो लिंक यूज करना है आपको और उसी में आपके फाइनल आंसर कीज दिए हुए हैं। तो फाइनल आंसर कीज से स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ ही साथ आपको लिंक भी बता देती हूँ लिंक कहाँ पर है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपना जो आंसर की है फाइनल वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में क्वेश्चन भी है आपने क्या आंसर दिया और करेक्ट आंसर क्या है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ID 1 दिया हुआ, क्वेश्चन ID 1, इसी में थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसमें क्या है। देखें आंसर गिवन, जो कैंडिडेट है उसने आंसर किया दिया 1 और इसी के नीचे लिख दिया है करेक्ट आंसर 2, तो यहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर कितने हो गए 0। तो यही आपका फाइनल आंसर की है। अभी अगर आप अलग से सोचेंगे कि दो दो PDF है, दो PDF नहीं है, आपको मैं बता दूं सिंगल ही एक ही PDF में है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के नीचे आपने आंसर गिवन, आपने क्या आंसर किया और सही आंसर क्या है, ये सही आंसर करेक्ट आंसर दिस इज फाइनल आंसर की। स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 0 मार्क मिले इस कैंडिडेट को, ठीक है। नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आते हैं। अभी इसमें देखें आंसर गिवन, कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया, क्वेश्चन तो देख लिया, कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया 3, करेक्ट आंसर क्या है 3। तो इस तरह से आपको एक पेन एंड पेपर लेके बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 0, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1 मार्क मिल गया आपको, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। इसी तरह चले क्वेश्चन नंबर थ्री पर आप चले आए, क्वेश्चन पढ़ लें, पढ़ना है देखना है तो, और अदरवाइज अभी सिर्फ फाइनल आंसर की, और ये आप प्रिंट आउट लेके रख लें क्योंकि फिर ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो आंसर गिवन कितना है 2 और करेक्ट आंसर कितना है 2, तो इसमें कितने मार्क्स मिले 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे 1 मार्क। तो एक पेन एंड पेपर लेके आपको बैठना पड़ेगा जिसमें गलत हो गया आंसर गिवन और करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मतलब ये फाइनल आंसर की है, तो जिसमें मैच नहीं हुआ उसमें 0 मार्क्स डालें, जिसमें मैच हो गया आंसर गिवन और करेक्ट आंसर दोनों सेम हो गए इसका मतलब है कैंडिडेट को 1 मार्क मिले। ऐसे करके हर क्वेश्चन के लिए आपको चेक करना 180 क्वेश्चन के लिए, और फाइनली सम टोटल कर लेना है आपको 180 में कितने स्कोर आए, तो ये आपके एक्चुअल स्कोर हो गए, अभी ये फाइनल स्कोर होंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं एक क्वेश्चन है आंसर गिवन 2 है करेक्ट आंसर 4 है, तो इसमें क्या आएगा 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 स्कोर होंगे इस तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं लिंक्स की। लिंक्स जो है चेक करने के लिए वो लिंक आपको मेरे यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के आंसर कीज चेक करने के लिंक आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको पासवर्ड डालना है, अपना जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और एक कैप्चा दिया रहेगा वो डालना है, और एंटर करते ही आपको जैसा भी मैंने दिखाया कि क्वेश्चन पेपर भी दिखेगा और क्वेश्चन पेपर के नीचे में आंसर भी दिखेगा और आपने जो आंसर दिया और करेक्ट आंसर जो दिखेगा वो फाइनल आंसर की है। तो वो लिंक्स दोनों मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के आपको दे दे रही हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। और PRT के अभी नहीं है उसमें, शायद PRT के आएंगे तो उसकी नोटिस फ्रेश आएगी।